Welcome to another episode of MEDTALK with Mohsin. I'm your host Muhammad Mohsin Mushtaq. पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा था. मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि ना इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. तो मैंने ये सोचा कि ना मैं और वीडियोस बनाऊँ और जितना फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ अपने जूनियर्स को या अपनी ऑडियंस को. मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है. और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि बुक्स के हवाले से कि आप बुक्स को किस तरीके से पढ़ सकते हो. कि क्योंकि मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं भी जब मैं था और अब भी स्ट्रगल करता हूँ बुक को पढ़ने के लिए. तो अब बात हम करेंगे उस आइडियल तरीके की कि जिस तरीके को आप फॉलो करके आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छी बेस बना सकते हैं एक बुक को लेकर. अच्छा, सबसे पहले आपने जो बुक पढ़नी है उस बुक को खरीदें, पहला स्टेप ये है. दूसरी चीज़, आपने रॉ मटेरियल्स लेने हैं. पहला रॉ मटेरियल है स्टिकी नोट्स. दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं ये हाइलाइटर्स, एक दो तीन चार पाँच जितने हो सके, जितने आपको ज़रूरत पड़े. वो मैं बताऊंगा कि आपको ज़रूरत किस तरीके से पड़ सकती है. दूसरी चीज़, पेंस, दो पेन, एक ब्लैक एक ब्लू आपने पेन रख लिया. अगर आपने बुक को वीडियोज़ के साथ पढ़ना है आपने एक लैपटॉप ले लिया. ऑनलाइन वीडियोज़ पढ़नी है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हेडफोन्स चाहिए. आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, बुक को समझने के लिए. अच्छा, पहली चीज़ मैं बात करूँगा, पहला स्टेप ये है. फॉर एग्जांपल आप बात करें पैथोलॉजी की. पैथोलॉजी आप कहीं किसी भी बुक से पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का तरीका होता है, आप पैथोलॉजी को किस तरीके से पढ़ना है. और मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है, जो पॉइंट्स होते हैं पैथोलॉजी के अंदर, आप उनको देखो. जैसे आप कॉजेस को देखो, आप सिम्टम्स को देखो, आप लैब फाइंडिंग्स की तरफ देखो और आप देखो ट्रीटमेंट की तरफ. ये चार चीजें होगी पैथोलॉजी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है. इंट्रोडक्शन होता है वो एक लाइन का होता है, दो लाइन का होता है, वो चलो ठीक है. बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं उस डिजीज के हिसाब से. कॉजेस हो गए, सही है, और सिम्टम्स हो गए, और दूसरी चीज लैब वैल्यूज हो गई, और ट्रीटमेंट प्लान हो गया. जो भी चीज़ें, जो भी ड्रग उससे रिलेटेड है आपने चीज़ें कर ली है ना. आपने पहली बुक खोली, आपने बुक के अंदर चैप्टर खोला, चैप्टर के अंदर टॉपिक खोला, आपने टॉपिक पढ़ लो. उस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपने देखा, आपने कॉजेज देखे, आपने कॉजेज को हाईलाइट कर लिया ग्रीन हाईलाइटर से, आपने सिम्टम्स को हाईलाइट कर लिया पिंक हाईलाइटर से, आपने ट्रीटमेंट को हाईलाइट कर लिया येलो से, और आप एक ऑरेंज कलर का ले लो उससे आप हाईलाइट कर लो ट्रीटमेंट को. दूसरी चीज़, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, आप समझते हो यार मुझे इस वर्ड को समझने के लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल पे आना पड़ेगा, तो आप उसी टाइम पे मत जाओ, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है. आप पहले उस बुक की रीड खत्म करो, जो पॉइंट रह गए हैं, जो वर्ड्स रह गए हैं उनको अंडरलाइन कर दो पेन से, पेंसिल से, जो आपको बेहतर लगे. लेकिन मैं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ. आपने उसको अंडरलाइन किया और उससे ये हुआ कि ना आपको ये याद रहेगा कि ना मैंने इस वर्ड की मीनिंग ढूंढनी है. तो अपने दिमाग में ये चीज़ रख लें, एक स्टिकी नोट पे लिख दें भाई ये कलर इसके लिए, ये कलर इसके लिए, ब्लैक पेन इस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ब्लू पेन मैंने इस चीज़ के लिए यूज़ करना है. उसके बाद आपकी ये पहली रीड कम्प्लीट हो चुकी है. आप आए दूसरी रीड की तरफ. अब दूसरी रीड पे आपके क्या करना है, दूसरी रीड पे आपने ये करना है कि जो वर्ड्स थे जो आपको समझ में नहीं आए थे और उनकी आपको विनिंग ढूंढनी थी, अब आप खोलोगे लैपटॉप, सही है. आप आए लैपटॉप के ऊपर, आपने लैपटॉप खोला, आपने लैपटॉप पे गूगल पे गए, आपने उस वर्ड की मीनिंग ढूंढी, या फिर आपने क्या किया, उस वर्ड की मीनिंग ढूंढ के आपने स्टिकी नोट्स लिए और ब्लू पेन से उसकी ऐसे यहाँ पर मीनिंग या वर्ड लिख के कैपिटल लेटर में आगे उसकी मीनिंग लिखती. इससे ये होगा कि ना आपके पास कंटेंट जो है बढ़ जाएगा और आप जब नेक्स्ट टाइम रीड करोगे तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, आपको ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी इतनी. तो आपने क्या किया, लिखा उसकी मीनिंग करके लिख के आपने उसी पेज पे टॉप पे आपने वो चीज़ लगा दी. अब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है. और अब क्या करना है, आप देखनी है वीडियो, अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं बुक के साथ. तो अब आपने वीडियो देखी, वीडियो फर्ज करें पैथोलॉजी से रिलेटेड, आप पैथोमा वीडियोस देख रहे हो, ये पैथोमा ही की वीडियोस देख रहे हो पैथोमा के साथ. तो आपने क्या किया, आपने पैथोमा की वीडियो खोली और उस वीडियो के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि बुक के अंदर नहीं है, जो आपको लगता है लिखी होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, वो स्टिकी नोट्स पे ऐसे लिख के वो भी पेस्ट कर दोगे. कितना कॉन्टेंट हो गया आपके पास, एक बुक का कॉन्टेंट था, सही है. दूसरी चीज़ आपकी हाईलाइटर जो अपना स्टिकी नोट्स थे वो स्टिकी नोट्स हैं, जो आपने वर्ड की मीनिंग ढूंढी थी. तीसरी चीज़, आपकी जो वीडियो देखकर आपने जो इन्फॉर्मेशन आई है वो भी आपके पास अवेलेबल होगी. अब ये सब करते वक्त आप रीडिंग तो कर रहे होगे, वो की आपकी हो चुकी है तीन रीड.
चौथी रीड किस तरीके से करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे मेमोरेंग ऐप है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मेमोरेंग के अंदर ये है कि ना आप कोई भी बुक यूज कर रहे हो, अब कुछ बुक्स पे ये है कि उनकी सब्सक्रिप्शन होती है, लेकिन जो बुक आप यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल पैथोमा है, पैथोमा की ये वहां पर आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज पैथोमा से रिलेटेड। कोई भी दो लाइनें आपको समझ में नहीं आ, दो लाइनें आपको याद करनी, आप वो बुक का पेज लिखोगे, पेज नंबर यही, टॉपिक लिखोगे, टॉपिक आपने वहां पर लिखा, मेमोरी के अंदर सर्च किया, सर्च करने के बाद जैसे ही वो पूरा टॉपिक आएगा उसके अंदर होंगे एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज होंगे उसी पेज से, उसी पेज की वर्डिंग होगी। अब इससे ये होगा जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे तो आपकी चौथी बुक की रीड हो जाएगी। ये सारी चीजें करने के बाद एंड में जब आप रीड करोगे तो आपका अच्छा खासा कॉन्टेंट आपके दिमाग के अंदर होगा और आपको वो चीज पूरी समझ में आ जाएगी। और मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतरीन और आइडियल तरीका है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई और तरीका हो सकता है जो आप पढ़ सकते हो बुक को अच्छे तरीके से, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप अपने जो भी ख्यालात हैं उनको कमेंट्स में जाहिर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस मैं और बनाता रहूं और मैं आपकी मदद करता रहूं और आप मेरी मदद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया और अगेन अपने घर पे रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।